टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस चौराहा, मेरठ। ये क्या हुआ? किसे? जोशेंद्र को। क्या हो रहा? अल्लाह की कसम नहीं पता, जल्दी बताओ। सुसाइड कर ली तुमने? क्या? फांसी लगा ली? कब? आज रात। खाना कसम नहीं, तो जल्दी बताओ कहाँ है वो? कौन? पोस्टमार्टम। अल्लाह, झूठ तो नहीं बोल रहे भैया, मैं मर जाऊंगी। नहीं, फैज ने फांसी लगा ली। यह ऑडियो है उस युवती फराह का, जिससे बात करने के कुछ समय बाद ही दुष्यंत चौधरी ने आत्महत्या कर ली थी। परिजनों का खुला आरोप है कि धर्मांतरण का दुष्यंत पर भारी दबाव था, वह बकायदा नमाज भी पढ़ रहा था। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है। मरने से पूर्व दुष्यंत ने फराह से जरूर बात की थी, लेकिन उसकी कोई रिकॉर्डिंग दोनों के फोन में नहीं पाई गई है। दुष्यंत का कोई सुसाइड नोट भी पुलिस को नहीं मिला है। अलबत्ता वह ऑडियो जरूर सामने आया है, जब युवती को दुष्यंत द्वारा आत्महत्या कर लेने की सूचना दी गई। इस ऑडियो में उसकी बदहवासी साफ नजर आ रही है, और यह भी कि वह उसे फैज नाम से संबोधित कर रही है। सुनिए। तुम्हारी कब तक बात हुई है रात? मेरी रात तो बात हुई है उससे 4:15 बजे तक। पहले ये बताओ कि रात को क्या बात हुई थी। भैया भैया मैं मर जाऊंगी। हेलो भैया। हाँ जी। हाँ, कौन, क्या हुआ, कैसे हुई बात, क्या हो गया? पता नहीं, इनका कुछ हुआ होगा रात को, जो बात हुई है ये फराही बता सका है। रात को क्या 4 बजे तक इनकी बात हुई है, उसके बाद उन्हें फांसी लगा ली। नहीं तो इसकी तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है, सब बातें सही हो रही थी। उसने मोबाइल में सब आ रखा है। अच्छा, वो तो मुझे पता चल गया। नहीं भैया, इनकी तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। चलो आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। हरीश भैया। हाँ जी। तुम सच कह रहे हैं ये बात? सच कह रहे हैं यार, तुम यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है यार। हरीश भैया, तुम मुझे, भैया यहाँ तक तो कोई बात किसी को कहीं से कहीं तक पता नहीं, वो बात तो सिर्फ राजदारी से हम बहनों को पता है, मुझे पता है, अल्लाह ना करे यो बात है किसी और को यहाँ पे पता चल गई। नहीं, इससे फरा था, ये तो पूछोगे कि ऐसे क्या बात होगी जो इतने इतना बड़ा कदम उठा लिए। नहीं, फरा की तो कोई भी बात नहीं हुई, मेरे पास ही तो सोवे है फरा, मेरे बराबर में लेटी। तो तुम्हें ये पता नहीं इनकी 4 बजे तक बात हुई है? नहीं, मुझे 2-3 दिन से नहीं, मेरे से बात नहीं कर रहा था, मेरे से कट रहा था। ये है ना, 4-5 दिन से फरा से बात ही नहीं कर रहा था, मेरे पास ही तो सोवे है फरा, ये तो बात ही नहीं कर रहा था फरा से, उखड़ा उखड़ा हो रहा था। हमारे घर तक कोई बात नहीं आनी चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मेरी इज्जत रख लो भैया तुम। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं कुछ नहीं कर सकता। आना चाहो आ जाओ, मैं बुला रहे हैं जरा अंदर। ठीक है। ऑडियो में किसी बच्चे के होने से भी फरहा को इनकार करते सुना जा रहा है। कुछ फोटो में दोनों को एक बच्चे के साथ देखा गया है, जिस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों का बच्चा है। भैया मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। तुम्हारे गुड़िया भी है कोई? मुझे, पहले ये बता कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है, गुड़िया भी है? नहीं भैया, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा भैया। दरअसल मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र की चित्रकूट कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय दुष्यंत ने 2 दिन पूर्व फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह डीजे का काम करता था। आज फर्स्ट फ्लाइट टीवी की टीम ने दुष्यंत चौधरी के परिजनों से मुलाकात की। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दुष्यंत के घर पर। एक लड़का जो एक लड़की से प्यार करता था, उसके लिए 1 साल घर से लापता रहा, लेकिन अचानक ही उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का क्या कारण रहा, कोई बता रहा है धर्म परिवर्तन रहा, कोई बता रहा है दोनों के बीच कुछ बात हुई है, अभी असल कारण पता नहीं लग सका है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं वो पंखा, वो फैन जिस पर लटक कर दुष्यंत ने आत्महत्या कर ली है। दुष्यंत की बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है। बताइए क्या वारदात हुई, क्या, कैसे वो लड़की मिली? मुझे इस बात से कोई मतलब, मुझे ये बात नहीं पता कि वो कैसे मिली या कैसे आई, सिर्फ हमें इतना ही पता चला कि उन दोनों की बातचीत है। बातचीत है? कब से बातचीत है? तकरीबन हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए, और 1 साल से वो घर से लापता है? नहीं, रहा था वो। हाँ, रहा था। और ऐसा भी सुनने में आया कि उस लड़की की एक बेटी भी है? नहीं, ये हमने कहते हैं
ऐसा उसने हाँ फरहा ने कहा ऐसा कोई बच्चा नहीं है। अब इधर आ जाइए, मतलब ये आ रहा है कि उसकी कोई मतलब बच्चे नहीं है, उसने शादी भी नहीं की, शादी नहीं की लड़की ने। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि दुष्यंत ने जो आत्महत्या की है उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था? क्या मतलब इस चीज़ का कोई सबूत है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा था? दबाव वो कहता था, जैसे नवाज भी पढ़ता था, वो नवाज भी पढ़ाया, देखा भी, बच्चों ने जैसे सुना उस वजह से कहना पड़ रहा। फिर उसने रिकॉर्डिंग में भी यही आया है कि फैजल, मतलब है तो दुष्यंत नाम उसका, फैजल नाम रख रखा उसका। ऐसा भी तो हो सकता है वो अपनी मर्जी से मुस्लिम बना हो? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से बनी नहीं रहा था, इसीलिए उस पर दबाव बना जा रहा है। जब उसने मतलब ये आत्महत्या करी है, वरना कोई मतलब ही नहीं है, ना घर में कोई लड़ाई है, ना जब माँ बेटा रहते हैं। उन दोनों के बीच की बात आपको नहीं पता, हाँ, उन दोनों को पता होगी, कुछ और बात हो सकती है, जो भी होती होगी। देखो फोन में जरूर रिकॉर्डिंग होगी, जो बातें उनकी हुई हैं 2:30 बजे के बाद से शुरू हुई हैं उनकी बातें, और उसके बाद क्या हुई फोन में वो तो फोन ही बता सकता है। अच्छा वो लड़की कहाँ की रहने वाली है ये पता नहीं, हापुड़ अड्डे की बताते। वही इंस्पेक्टर नौचंदी उपेंद्र सिंह का कहना है कि प्रारंभिक जांच में धर्मांतरण जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, बावजूद इसके मामले की गहन जाँच की जा रही है, कॉल डिटेल भी निकाली गई है, जांच जारी है। इस खबर पर बनी रहेगी फर्स्ट बाइट टीवी की नज़र। आप खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।